हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज जो हम कर रहे हैं वो क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.4 को हम कराने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमसे होगा उतना करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं उसका, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन के बारे में हम समझते हैं भाई क्या होता है ये। तो इसमें एक तो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम में एक वैल्यू रखते हैं और हम उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ ये इसका फैक्टर है या नहीं, वही इसमें बताया है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया गया है, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम ये बता रहा है, जो हमने 3 स्टेप रिमाइंडर थ्योरम में किए थे ना पहले, वही 3 स्टेप ये यहाँ पे कर रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 11, ये बोल रहा है एग्जामाइन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ ये एंड ये। भाई बोल रहा है x+2 इसका और इसका फैक्टर है या नहीं। तो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम किए, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम करेंगे। तो x+2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। और x की वैल्यू क्या हो गई? -2। तो x की जो वैल्यू है वो -2 कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये जो फंक्शन है ना हमारा, इसमें px जो है, ठीक है, वहां पे क्या रख दिया? -2 रख दिया। और जहां जहां पे x है वहां पे हर जगह -2 रख दिया। तो -2 की क्यूब, फिर -2 स्क्वायर, फिर -2 और ये 6, और फिर इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो ये क्या आ रहा है? 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस का 12 -10 और +6, तो 12 और 6 18, 10 और 8 18, 0 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसी का फैक्टर यानी -2 इसमें भी रख के देखेंगे, यानी 2, फिर -2 और +4, तो ये -4, सॉरी इधर +4 था और +4, तो इधर भी 0 हो गया। तो दोनों जगह 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? x+2 जो है वो फैक्टर है px का भी और sx का भी, समझ गए? यही बताना था अपने को इस क्वेश्चन में, ये इसने ये बता रखा। फिर ऐसा ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करो यदि x+1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो देखो x+1 फैक्टर है ना, तो x-1 है ना, x-1 = 0, तो x की वैल्यू उधर ले जाएंगे -1 को, तो +1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब x की जगह 1 रख दो तो ये 0 आना चाहिए। तो देखो इसने px की जगह 1 रख दिया और इसको इक्वल टू, पूरे को इक्वल टू 0 रख लिया, ये रख लिया इधर, और 0 रख के फिर इधर जो k है जो स्टार्टिंग से बचा हुआ था इसमें, उस k को एक साइड में रखेंगे और बाकी सबको उस साइड में ले जाएंगे, तो -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और -3 आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि के की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 4x³ प्लस 3x² -4x प्लस के, ये हमें वैल्यू दी हुई है और बोल रहा है कि x-1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो x इक्वल टू हम 1 कर लेते हैं और ये px के इक्वल है, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखते हैं? 1 रख देते हैं। अब 4 फिर 1 का क्यूब प्लस 3 फिर 1 का स्क्वायर फिर -4 और फिर 1 और प्लस के। अब यहाँ पे देखो 4 फिर 3 फिर -4 और प्लस के, यही बच गया क्योंकि 1 के साथ 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही होता है। तो 4 1 जा 4, फिर 3 1 जा 3, फिर 4 1 जा 4 -4 और ये आ गया। तो 4 से तो 4 कट गया और 3 प्लस के बच गया और इक्वल टू क्या रह गया? 0। और के 0 क्यों लिखा इक्वल टू, ये समझ के रखना, क्योंकि ये बोल रहा है कि x-1 इसका एक फैक्टर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, यानी x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने 1 रख के और इक्वल टू 0 रख दिया, के इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो -3 हो गया, यानी के की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो ये एक फैक्टर हो गया, समझ गए? हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया था 8th क्लास में, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 होती है, जब हम उसको सोल्व करते हैं तो मिडल टर्म जो स्प्लिटिंग होता है वही मेथड करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये बता रखा है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे ये इसने इसके दो फैक्टर बना दिए। देखो जितनी भी पावर होती है ना क्वेश्चन में, जैसे x² है तो यहाँ पे देखो ये ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 0 होते हैं, ठीक है। फिर क्यूबिक x³ हो तो उसके 3 0 होते हैं, कहने का मतलब 3 आंसर्स होते हैं या 3 फैक्टर होते हैं, जितनी पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। अब देखो ये यहाँ पे बता रहा है फैक्टराइज ये बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मैं इधर लिख लेता हूँ, 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब मैं आपको ये समझाता हूँ मिडल टर्म कैसे सोल्व किया था।
देखो इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 6x² × 5 क्या आ गया हमारा, 5 6 30x² इतना समझ में आ गया। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, अब बीच वाली टर्म ले लेना है, यानी 17x ले लेना है। अब 17x के दो फैक्टर ऐसे बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30x² आए, और प्लस करें तो 17x आए। तो 15 और 2, देखो 15x प्लस 2x क्या हो गया, 17x हो गया, और 15 2 30, और x और x x² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, समझ गए। अब देखो 6x², अब 17x को मैं ऐसे लिखता हूं, 15x प्लस 2x, 15x प्लस 2x, ठीक है, फिर प्लस 5, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि 17 को हमने दो फैक्टर में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके देखा और 30x² बनाना था। ऐसा क्यों कि हमने, क्योंकि इसको जब तक हम स्प्लिट नहीं करेंगे तो ये मिडल टर्म स्प्लिट का क्या मतलब हो गया, जो बीच वाली टर्म है ना उसको स्प्लिट करके दो फैक्टर बनाने हैं, तो वही हम कर रहे हैं। और वो कैसे करेंगे, अब देखो फैक्टर तो कुछ भी बना सकते हैं, तो 15 और 2 का हमें कैसे पता चला, यही बनाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें 30x² के इक्वल बनाना है। ठीक है, तो अब 15 और 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 30x² बन रहा है, और जिनको प्लस करते हैं तो 17x बनता है। अब देखो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, मान लो 3 कॉमन निकल रहा है और एक x कॉमन निकल रहा है, तो 3 2 6 2x बच गया, और 3 5 15 यहाँ 5 बच गया। फिर ऐसे ही यहाँ से प्लस 1 ले लेते हैं, तो 2x प्लस 5 ये बच गया। अब देखो ये और ये फैक्टर एक जैसे हैं, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट में लगभग एक जैसे ही आएंगे ये। अगर एक जैसे नहीं आ रहे तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत है और या फिर हमने गलत किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम 2x + 5 फिर से कॉमन ले लेते हैं, 2x + 5 मैंने कॉमन ले लिया, और इधर तो बच गया 3x लिख दिया, और इधर से जो ये कॉमन लिया इधर बच गया प्लस 1 जो बाहर है। तो ये दो हमारे फैक्टर हो गए, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो 2x + 5 और 3x + 1 ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इस तरीके से हमें मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व करनी है, 2x + 5 और 3x + 1। अब बोल रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, अब इसी क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, क्वेश्चन क्या था हमारा, 6x² + 17x और प्लस क्या था 5, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं गलत नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो फैक्टर थ्योरम से करते हैं ना, तो क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं इसको या फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम 6 को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया x² 6 यहां से कॉमन लिया। अब यहां पे 17 के नीचे 6 लिख देंगे, क्यों, देखो थोड़ा सा समझ लो, मान लो 6x² कॉमन लिया, अब 17 के साथ तो 6 है नहीं, तो हम क्या करते हैं 6 को मल्टीप्लाई करते हैं और 6 को डिवाइड कर देते हैं, फिर 5 के साथ भी 6 नहीं है तो 5 के साथ भी 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 डिवाइड करते हैं। अब देखो ऊपर वाले तो कॉमन आ जाएंगे और नीचे एक एक बच जाएगा। ठीक है, तो जैसे 17/6x बच गया और प्लस 5/6, इतना समझ में आया। अब देखो आपको ये वाला स्टेप समझ में आ जाएगा, ये वाला आगे समझ में। ठीक है, अब देखो जो, अब ये वही करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 5/4, मैं समझा देता हूं। अब देखो एक आइडेंटिटी बनाते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बनाते हैं। अब देखो 6 ऐसे कैसा है, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था, और 2ab की जगह अब हमें यहाँ 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 17 में तो 2 है नहीं, 2ab, और a की जगह ले लिया हमने x, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो अभी 17/6x है, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब मैंने 2 और x तो ले लिया, अब बचा क्या, 17 तो ऊपर बच गया और नीचे बच गया 6 2 12। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 17 ऊपर बच गया और नीचे बच गया 6 2 12, ये ऐड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, दोबारा ध्यान से देख लो, 17/6x है ना, इसका हमें बनाना है 2ab, तो अब पहले तो 2 चाहिए, 2 इसमें नहीं है ऊपर, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, बना दिया 2, अब ये वाला 2 तो हमने ले लिया, और a की जगह हमारा x² था तो हमने x ले लिया। अब बचा जो, उसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, तो ऊपर तो 17 बच गया और नीचे बच गया 6 2 12, ये बच गया, अब इसे b मान लेंगे।
अब बी मान लेंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 17 अपॉन 12 और इसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। अब ऐड करना पड़ेगा तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस 17 अपॉन 12 और इसका स्क्वायर माइनस भी कर दिया, और फिर लास्ट में जो ये 5/6 है इसको लिख देंगे प्लस 5/6। समझ गए? अगर समझ में नहीं आया तो बैक करके दो बार तीन बार इसको यहीं पे देखो और इसी स्टेप को इम्पोर्टेंट समझ के देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और ये हो गया बी स्क्वायर, तो यहां तक तो इसको कंबाइन कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जो बचा उसको क्या कर लो, उसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ। अभी हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब बचा हमारा तो 17 बच गया एक तो हमारा, ठीक है, तो 17 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 289, फिर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, फिर प्लस 5/6 ये था। अब बाहर 6 रखते हैं, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 17/12 और इसका स्क्वायर, और यहाँ इनका एलसीएम ले लेते हैं 144 और 6 का, तो देखो इनका एलसीएम 144 ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 12 के अंदर 6 होता है और 12 का स्क्वायर ही है 144 है, तो 144 तो ऐसे ऐसे कट गया, ये 289 आ गया माइनस का, इधर इधर प्लस लिख देते हैं, इधर मैं माइनस का कर देता हूँ, फिर इधर प्लस 6 से अब मैं इसको 144 को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो कितना आ गया हमारा 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 4 20, 5 2 10 और 2 12, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने इधर 120। अब आगे एक स्टेप और ले लेते हैं 6, अब ये एक्स प्लस 17/12 इसका स्क्वायर हो गया और प्लस, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, 289 में से 120 माइनस कर देते हैं, 289 माइनस 120, तो कितना आएगा हमारा 169/144, और ये 169 आएगा किसका, आएगा माइनस का, तो मैं इसको माइनस का कर देता हूँ, यहाँ पे ये सिंबल चेंज कर देता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ माइनस का ही वापस, ठीक है, क्योंकि बड़ा ये वाला है। अब देखो 169 किसका होता है, 13 का होता है, ठीक है, तो 13 और ये होता है 12 का। अब इसको ऐसे ही कर देंगे, बाहर 6 रखते हैं, एक्स प्लस 17/12 इसका स्क्वायर और माइनस 13/12 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 17/12 और एक बार माइनस वाली कर देते हैं ए माइनस बी, और एक बार प्लस वाली, एक्स प्लस 17/12 और प्लस 13/12, ठीक है, बेस सेम है, तो देखो क्या करेंगे, 12 तो ऐसे कैसा हो गया और 17 में से 13 गए कितने बचे 4, तो 4/12 यहाँ प्लस का आ गया, और फिर ऐसे यहाँ पे एक्स 12 ऐसे का ऐसा और 17 और 13 को जोड़ दो तो कितने हो गए 30, ठीक है, यहाँ पे काट दो, 4 से काटेंगे 4 3 12 और यहाँ से काटते हैं तो 3 1 3 10 और 3 4 12, फिर 3 से कट रहा है 3 5 10 और सॉरी 3 से नहीं 2 से कट रहा है 2 5 10 और 2 2 4, इतना हो गया। अब बार 6 था हमारा और एक्स प्लस 1/3 और इधर बच गया एक्स प्लस 5/2, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 6 के दो फैक्टर बना लो, 3 × 2, 3 को तो इससे मल्टीप्लाई करो और 2 को अगले वाले से, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 से इसको करूंगा तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 2 से 2 कट जाएगा 5 आ जाएगा, आ गए ना वही फैक्टर। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस मेथड से हमारा फैक्टराइजेशन वाले तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये इंपॉर्टेंट था, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए कोई डाउट नहीं है, और नहीं तो फिर समस्या ही समस्या है, ठीक है। आप देखो जैसे ये वाला देख लिया,
वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स। इसको सोल्व करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मिडल टर्म स्प्लिट से कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स सिक्स वाई स्क्वायर, फिर सिक्स वाई के थ्री वाई प्लस टू वाई, दो बन जाएंगे। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई सॉरी माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई, इनको इरेज कर देता हूँ मैं, नहीं तो गलत लगेगा। ठीक है, और प्लस सिक्स। अब इन दोनों में से वाई कॉमन ले लिया तो वाई माइनस थ्री, फिर माइनस टू कॉमन ले लिया तो वाई माइनस थ्री। अब एक तो हो गया वाई माइनस थ्री और एक क्या हो गया वाई माइनस टू, एक मेथड तो ये हो गया। फिर एक देखो जो इसने किया है वो डायरेक्ट भी कर सकते हो वाई की वैल्यू लेके। ठीक है, तो वाई की वैल्यू लेके कैसे करोगे, इस सिक्स को ले लो, सिक्स के टुकड़े बनाओ तो वन टू और थ्री तीन फैक्टर बनेंगे। तो एक बार तो प्लस माइनस टू रख दो और एक बार प्लस माइनस थ्री रख दो। तो देखो पी वाई, पी वाई के अंदर देखो इसने रखा हुआ है, पहले टू रख दिया तो टू स्क्वायर और ये जीरो आ गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया, यानी एक ले लिया इसने, एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये एक फैक्टर बना लिया। फिर ऐसे ही इसने दूसरा थ्री रख के देखा, ये देखो थ्री रखा तो थ्री पे भी इसमें क्या आ गया जीरो, यानी इसने एक्स इक्वल टू क्या रखा थ्री, यहाँ पे वाई है तो वाई ले लेना, वाई इक्वल टू थ्री रखा और वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दूसरा फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर देखो जब तीन नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे, जब क्यूबिक आ जाता है, ये क्यूबिक क्वेश्चन है, तो क्यूबिक में क्या है पावर है थ्री, तो इसके तीन आंसर होंगे, ये बात तो सीधी सीधी क्लियर हो गई। अब हम आंसर कैसे निकाले, अब हम 120 को पकड़ते हैं, 120 के फैक्टर बनाए, तो 120 के फैक्टर देखो ये क्या आ गए, यहाँ से लेकर हो ये यहाँ तक आ गए। तो सबसे पहले वन से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस वन से। ठीक है, तो इसने वन रख के किया तो वन से इसके फैक्टर बन गए, इसने तो यहीं पे कॉमन ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, इस तरीके से कई बार स्प्लिट नहीं हो पाता, तो फिर क्या करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे स्प्लिट नहीं हो तो प्लस माइनस वन है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था, पहले पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक्स पावर थ्री फिर माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन देने के बाद अब हमारे को जो हमने फैक्टर बनाए थे 120 के, उसमें सबसे पहला प्लस माइनस वन बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वन रख के देखता हूँ, वन से हो गया। अभी देखो इसने क्या किया, पी एक्स की जगह वन रखा, ये देखो पी वन रखा तो क्या आ गया जीरो आ गया, यानी एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन नहीं लेना, एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है ना तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस वन से। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, लॉन्ग डिविजन हमने किया था तो ये हो गया एक्स थ्री और माइनस एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज, माइनस प्लस ये कट जाएगा। फिर 23 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बच गया, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, फिर आगे वाला उतार लिया हमने प्लस 142 एक्स। अब हम किसे करेंगे, माइनस 22 और एक्स से कर देंगे, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर और माइनस 22 एक्स। ठीक है, अब फिर अपने यहाँ प्लस ये कट गया, ये जुड़ जाएंगे, दो और दो चार, चार पाँच छ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। अब दो में से दो गए चार और यहाँ पे दो और ये 120 एक्स बच गया, और ऊपर लास्ट में क्या था माइनस 120। अब हमें किससे करना है, प्लस 120 से, तो अब 120 एक्स माइनस 120 हो गया और ये पूरा चला गया जीरो आ गया। ठीक है, तो ऊपर जो बचा, ऊपर क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। अब इसके हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट तो हम कर ही सकते हैं, तो 120 एक्स स्क्वायर, अब ऐसे दो फैक्टर बनाओ 22 के तो 12 एक्स और 10 एक्स दो हो गए। ठीक है, तो देखो मैं कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 120। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 12, यहाँ से मैंने माइनस 10 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12, तो एक तो हो गया एक्स माइनस 12 और एक क्या हो गया एक्स माइनस 10। अब देखो दो फैक्टर तो ये हो गए और तीसरा कहाँ पे था, एक्स प्लस वन जो हमने स्टार्टिंग में रखा था, तो एक्स प्लस एक्स माइनस वन सॉरी, तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 10, ये तीन फैक्टर इसके हो गए और यही इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
ये इसीलिए मैंने आपको बताया, अगर आपको डायरेक्ट स्प्लिट करने में दिक्कत हो रही है, जैसे इसने यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को ऐसे रखा, फिर 23x² है ना, इसके बना लिए इसने एक्स स्क्वायर और -22x², 23 को दो जगह स्प्लिट कर लिया, फिर 142 के 22 और 120 बना लिए, और 120 ऐसे कैसा रख दिया। अब इनमें से कॉमन लेता जाएगा, अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, x-1 वाला भी मेथड ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन शर्त क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर ये एक्यूरेट नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मैंने मेथड बताया आप उस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। देखो जैसे इसने ये किया, यू कुड ऑल्सो हैव गोट दिस बाई डिवाइडिंग, इसने डिवाइड किया पी एक्स को किससे, x-1 से, और फिर ये बच गया। अब ये बच गया तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये बचा, तो जो हमने जिससे पहले डिवाइड किया था उसको और इनको एक साथ लिख दिया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया इसका बेसिक। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 देखो भाई क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज ए फैक्टर। अब हमें पता करना है कि कौन से x+1 इसका फैक्टर है, तो x+1 = 0 लेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब हम इस फंक्शन में -1 रखेंगे और जो 0 हो जाएगा वो इसका फैक्टर है। तो देखो यहाँ पे रखते हैं हम, अगर मान लो ये वाला पहले वाला क्वेश्चन देखो, x³ + x² + x और +1, ठीक है, इसको मैंने पी एक्स के इक्वल ले लिया। अब मैं पी एक्स की जहां क्या रखता हूँ, -1, तो जहां जहां पे एक्स है वहां -1 रखता जाऊंगा। ठीक है, अब इसको सोल्व किया तो ये -1 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 रहेगा और ये +1, क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका फैक्टर है, समझ गए, 2.4 में जो पहला क्वेश्चन है ये उसका फैक्टर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, ये इसमें रखेंगे तो पहले वाले में -1 रखा तो +1 हो जाएगा, दूसरे में -1 रहेगा, फिर +1 रहेगा, फिर -1 रहेगा, फिर +1 रहेगा। अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और 1 रहेगा, तो ये इसमें फैक्टर नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, फैक्टर नहीं है क्योंकि 1 बच गया, 0 आता तो फैक्टर होता। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये -1 हो गया और ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंबल माइनस का है, फिर ये ऐसे ही रहने दो, माइनस फिर 2 फिर +√2, और ये x- का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और +√2। अब देखो -2 फिर +2 +√2 और +√2, ठीक है, अब सिंबल चेंज हो गए ना सारे, तो ये तो कट गया आपस में, ठीक है, और कट गया तो बचा क्या, इधर √2 और √2, तो ये 2√2 बच गया, तो 2√2 बच गया, तो इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है, यानी इसका भी ये फैक्टर नहीं है। एक क्वेश्चन रह गया ये वाला, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये -3 हो जाएगा, फिर ये +3 रहेगा, फिर ये सॉरी -1 हो जाएगा और ये +1, ये कट गए आपस में, ये भी कट गए, यहाँ भी क्या बच गया, 1 बच गया, थर्ड क्वेश्चन में भी क्या बच गया, 1 बच गया, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या नहीं है, पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इजी मेथड से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया इसने, ठीक है, पी एक्स जो है वो जी एक्स का फैक्टर है, यानी तो यहाँ से देखेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू -1 हो गया, अब -1 रखेंगे और ये अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, जैसे 2 फिर -1 की पावर 3 फिर प्लस फिर -1 की पावर 2 फिर -2 फिर -1 फिर -1। अब ये देखो -1 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस का, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, तो 2 से तो 2 कट गया और 1 से 1 कट गया, तो पहले वाला क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, फिर इसी तरीके से तीसरा देखेंगे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -2, इसमें -2 रखेंगे, तो -2 में डायरेक्ट रख देता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से आप रख लेना, पी एक्स वगैरह वो सारे रखने पड़ेंगे आपको। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 प्लस का आ जाएगा, फिर 3 2 जा 6 माइनस का और प्लस का 1, 12 प्लस कितने हो गए 13, और 8 प्लस 6 कितने हो गए
14, 14 माइनस के हो गए, 13 प्लस के हो गए, बचा कितना, माइनस का 1 बच गया। तो माइनस का 1 बच गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, समझ गए। इसी तरीके से आपको तीसरा करना है, तो तीसरा करके तीसरे का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। अभी करिए सोल्व, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तभी इसको पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट में बताइए मुझे, येस या नो, ठीक है तो येस और नहीं है तो नो, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट करके, तो मेरे को पता चलेगा हाँ आपने सही देखा या नहीं देखा। फिर थर्ड क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वाड्रिलेटरल पहले कराइए। देखो भाई, जब भी कोई चैप्टर उठा लेते हैं तो उसका एक बार कंप्लीट कराना जरूरी होता है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, एक दो दिन में हो जाएगा और फिर हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे आराम से, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सारे चैप्टर कराऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस मन लगा के पढ़ाई करो आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन फैक्टर है, तो यानी एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स की जगह हमें क्या रखना है, वन, और वन रखते ही हमें पता चल जाएगा फैक्टर क्या है। तो देखो जैसे इसमें रखेंगे हम वन, इसको इक्वल टू जीरो ले लेते हैं और यहाँ पे वन रखते हैं, तो ये वन हो गया और ये वन रख गया, वन प्लस वन कितना हो गया टू, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी उधर जाके माइनस टू, समझ गए। देखो नहीं समझे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, अगर एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, और एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा तो एक्स की जगह वन रखेंगे, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, और ये इसका फैक्टर है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और के इक्वल टू ये वन और वन टू हो जाएंगे, उधर जाके माइनस टू हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। फिर सेकंड वाले में देखो, मैं इधर लिख लेता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आता रहे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस अंडर रूट टू, ठीक है, और रखना क्या है हमें एक्स की जगह, एक्स माइनस वन फैक्टर है ना, तो जीरो लेंगे और एक्स इजिकल टू वन रखेंगे। अब पी वन रख दिया हमने, तो टू वन का स्क्वायर प्लस के और प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो लेंगे, के को इधर रखो और बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस का टू हो जाएगा और रूट भी माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, बाहर रख दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। माइनस अंदर रखना है तो अंदर भी रख सकते हो, आंसर माइनस टू और माइनस रूट टू आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, यही था ना, और प्लस वन, यहाँ पे भी वही वन रखना है हमें, तो इधर के आ जाएगा, माइनस रूट टू आ जाएगा और प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू रूट टू तो पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, और वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा रूट टू माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो इसी का, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, दो बार के दे दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह वन रखेंगे, ये के हो गया, फिर माइनस थ्री वन हो गया और प्लस के इक्वल टू जीरो, के और के दो बार हो गया तो टू के हो गया, थ्री को उधर ले जाते हैं प्लस का थ्री हो गया और के इक्वल टू थ्री अपॉन टू, यहाँ पे के की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन वाले कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, तो फोर भी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है भाई, फोर और फाइव दो क्वेश्चन है, फोर और फाइव के मैं बता देता हूँ आपको मिडिल टर्म स्प्लिट के, मैंने वीडियो कराए हुए हैं वैसे भी, जैसे 12x स्क्वायर माइनस 7x और 1, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल में कराए थे, ठीक है। इधर देखते हैं फोर्थ का, पहला क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया 12x स्क्वायर। अब 7x के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे माइनस 3x और माइनस 4x, आगे पीछे ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 12x स्क्वायर माइनस 4x लिख दिया मैंने, और माइनस 3x और प्लस 1, 3x को पहले भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 4 और x कॉमन ले लिया, 4 3 जा 12, 3x बच गया और माइनस 1 बच गया, इधर से माइनस 1 ले लिया तो 3x माइनस 1 बच गया, एक जैसे हैं दोनों, फिर वापस से कॉमन ले लिया 3x माइनस 1, अंदर क्या बच गया 4x माइनस 1। इस तरीके से हमें स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, वापस से क्या बनेगा 6x स्क्वायर, तो 7x के फैक्टर कौन कौन से बन जाएंगे, 6x और x, तो 2x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस x प्लस 3। आप बोलोगे कि आप ऐसे ही कैसे ले लेते हो, कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दिमाग में सोचना पड़ेगा, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कैसे लेना। यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, इधर क्या बचेगा x प्लस 3, और इधर से मैं 1 ले लेता हूँ कॉमन, तो x प्लस 3। एक जैसे अगर फैक्टर आ रहे हैं तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। x प्लस 3 वापस से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1। समझ गए? बाकी के और दो क्वेश्चन थे, वो क्या कहते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन दिया हमारे को 6x² प्लस 5x प्लस माइनस 6। ठीक है, अब आप ऐसा करो, स्क्रीन को पॉज करो और इसके फैक्टर बनाओ वैसे ही, ठीक है। और मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करता हूँ, इसके बस फैक्टर बता देता हूँ। अभी आप स्क्रीन पॉज करो और सोल्व करो, फिर बाद में जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हैं 9x और -4x। ठीक है, 9x प्लस का बनेगा और 4x माइनस का, बाकी ऐसे कैसे लिख दो 6x² माइनस 6। इनमें से जो कॉमन निकल रहा है 3x कॉमन निकल रहा है, 3 2 जा 6, 2x प्लस 3 3 जा 9। यहाँ से -2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बच गया 2x और प्लस 3, फिर 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, इस तरीके से लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे अगला, 3x² माइनस एक्स और माइनस 4, 4 3 जा 12, और 4 और 3 ही इसके फैक्टर बन जाएंगे। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 ले लो तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन फोर्थ वाले कंप्लीट। ठीक है, फिर आ गए हमारे फिफ्थ के क्वेश्चन। फिफ्थ के थोड़े बड़े क्वेश्चन है, देखो भाई अब फैक्टराइज करना है। मैंने आपको बताया था जब क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यूबिक वाले, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले लास्ट नंबर ले लेते हैं 2, और 2 के फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब पहले प्लस माइनस 1 रखते हैं फिर प्लस माइनस 2। जब हम इसमें रखेंगे, मान लो 1 रखा हमने तो 1 से डिवाइड हो गया, अब डिवाइड करके और फिर जो बचेगा उसको हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारा हो गया पी एक्स। अब मैंने क्या किया, 2 के फैक्टर बनाए तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 ये बना। मैंने प्लस माइनस 1 रख के देखा सबसे पहले, तो पहले मैंने रखा एक्स प्लस 1, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, फिर एक्स माइनस 1 से पूरा डिवाइड हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस 2, तो एक्स माइनस 1 ये मैंने करके देख लिया था पहले, आपका टाइम बच रहा है इसलिए नहीं करा रहा मैं इससे। ठीक है, नहीं तो एक्स प्लस 1 से करना चाहिए पहले, और उससे पूरा डिवाइड नहीं हुआ इसलिए एक्स माइनस 1 से। और डिवाइड हमें ऐसे नहीं देखना, हम यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेंगे, प्लस 1 यहाँ रखेंगे, अगर ये 0 आ गया तो यानी इससे डिवाइड हो रहा है, तो फिर मैंने माइनस 1 वाला रख के देखा, यानी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 रख के देखा, यानी 1 रखा ना, प्लस का 1 रखा तो 0 आ रहा है, इसलिए हमने एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। और माइनस 1 होता तो हम किससे करते, एक्स प्लस 1 से करते, और अब प्लस 1 आ रहा है तो एक्स माइनस 1 से करेंगे। अब हम डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करेंगे तो देखो एक्स से डिवाइड किया तो पहले हमें चाहिए x², क्यों, क्योंकि 3 बार एक्स चाहिए, 3 बार एक्स हो गया, अब 1 से भी करना पड़ेगा तो x² हो गया, फिर माइनस प्लस कट गया। थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई। अब देखो x² से कर दिया तो यहाँ पे 3 आ गया और ये हो गया, ये माइनस हो गया तो कट गया, 2x² में से x² गया, तो x² किसका बच गया, मैं माइनस का, फिर माइनस का x मैंने आगे उतार लिया। अब मुझे माइनस का x से कर देता हूँ तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, -x² और माइनस माइनस प्लस x, सिंबल चेंज करूँगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कट गए, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस का 2x और प्लस 2 उतार लिया मैंने। अब मैं -2 से करता हूँ, -2 से किया तो -2x हो गया और प्लस माइनस -2, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये हो गया 0। ठीक है, अब देखो एक तो फैक्टर हो गया x माइनस 1, क्योंकि इससे डिवाइड चला गया पूरा,
और हमें डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी, हमें तो पहले ही पता चल गया था क्योंकि हमें ये चाहिए था ये, ठीक है। अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये बच गया। अब इसको क्या करते हैं, मैं मिडल टर्म स्प्लिट कर लूंगा, तो एक्स स्क्वायर की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ये बना दिए इसके फैक्टर। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू, यहाँ से प्लस वन कॉमन ले लिया, फिर एक्स माइनस टू और वन, एक्स माइनस टू दोनों में से फिर कॉमन ले लिया एक्स माइनस टू, इधर क्या बच गया एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन बच गया। और बाहर का एक्स माइनस वन साथ में आ रहा है जो मैंने लिखा नहीं, ये एक्स माइनस वन मैंने इधर लिख दिया। अब ये तीनों फैक्टर हो गए, इसलिए समझ गए। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है बिल्कुल सिंपली, ठीक है, तो आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। इसमें फाइव के फैक्टर बनाएंगे, पहले प्लस माइनस वन फिर प्लस माइनस फाइव, तो इसमें जिससे जाएगा फिर आप उसी से करोगे। तो पहले वन रख के देखा, अगर वन से जीरो जा रहा है तो ठीक है, तो हम वन से करेंगे। तो हमने पहले एक्स इक्वल टू वन रख के देखा, तो यानी एक्स माइनस वन से ये डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या किया इसको एक्स माइनस वन से ही डिवाइड किया, ठीक है। वन रखने पे जीरो नहीं आ रहा, सॉरी, तो फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रख के देखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो एक्स प्लस वन से फिर पूरा चला जाएगा, तो माइनस वन रख के देखा तो ये जा रहा है, तो फिर एक्स प्लस वन से डिवाइड किया हमने। अब एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा मैं वो आपको बता देता हूँ। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, फिर इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर लेना आप, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसको डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद इसको फिर मिडल टर्म स्प्लिट कर लेना, ऐसे ही इसको करना है और ऐसे ही इसको करना है। मैं आपको कोई इन दोनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ कोई भी, ठीक है, यही कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है नंबर वाला, थर्ड वाला करा देता हूँ, फिर आगे ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। जगह सारी भर गई क्या, ये रही, काफी है, ठीक है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे को, एक्स स्क्वायर, फिर बाकी क्या दिया हुआ है, प्लस थर्टीन, सॉरी एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 32x और फिर प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर बनाएंगे, पहले 20 के फैक्टर बनाए तो प्लस माइनस वन, तो हम पहले प्लस माइनस वन से करके देखेंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस वन किया ना, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये जीरो हो रहा है पूरा, तो यानी एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर है, तो अब मैं इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड करता हूँ, तो एक्स प्लस वन से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, यहाँ बच गए 12x स्क्वायर, नेक्स्ट उतार लिया प्लस 32x, अब मुझे क्या चाहिए 12x, ठीक है, तो 12x स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x, सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ 32 में से 12 गए, कितने बच गए 20x, और नेक्स्ट उतार लिया मैंने प्लस 20। अब मैं इसको किससे करता हूँ, प्लस 20 से कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा 20x प्लस 20, ये पूरा चला गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब हमारा एक फैक्टर तो हो गया x प्लस वन, और बाकी जो ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई 20x स्क्वायर, और 12x के जो 20 बनेगा वो 10 और 2x बन जाएंगे, ठीक है, 10x प्लस 2x। तो देखो इसके भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है, 10x और 2x को आगे पीछे ले सकते हो, अगर इधर 10 लोगे तो 10 कॉमन आ जाएगा, और इधर 2 है तो अभी 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखो x कॉमन ले लिया x प्लस 10, और इधर से 2 कॉमन ले लिया x प्लस 10, ठीक है। अब वापस से x प्लस 10 कॉमन ले लिया, और उधर क्या बच गया x प्लस 2, और एक फैक्टर हमारा पहले से ही था x प्लस 1 जो बाहर था, हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर दूसरे वाले में करोगे उसमें भी फैक्टर बनेगा, उसमें y प्लस वन से डिवाइड होगा पहले, ठीक है, ट्राई करके देखना। और इसमें कोई भी आपको कमेंट हो तो आप मुझे पूछ लेना, y प्लस वन से डिवाइड होगा और बचेगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस वन, इसको फिर से आपको स्प्लिट कर लोगे, ठीक है,
तो स्प्लिट के फैक्टर बन जाएंगे वही वाई माइनस वन और टू वाई प्लस वन, और एक फैक्टर पहले से ही हो जाएगा y प्लस वन। ठीक है, तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। एक्सरसाइज 2. कौन सी थी हमारी, 4, एक्सरसाइज ही भूल गए, 2.4 कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। और अगले वीडियो में हम कराएंगे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।